और यहाँ पे बच्चों ने ना कुमाऊं उत्तराखंड के परिधान को भी दिखाया है, देखिए यू ना बिल्कुल मेकअप के साथ कुछ अलग ही लग रही है। तो चलिए जी, हो गई है एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत हो रही है हिमालयन व्यू से। तो आज ना काफ़ी क्लियर दिख रहा है, और आजकल हमारी शुरुआत वैसे लगभग हिमालयन व्यू से ही होती है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों और नज़ारों के साथ। तो आज जो मेरी राइड होने वाली है, क्योंकि मैं मॉर्निंग ही निकल गई थी, तो मुझे जाना है गाँव से शहर की ओर, और क्यों जाना है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा, लेकिन इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो प्रणाम नमस्कार पहला आप सभी को, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सच में ना यहाँ पे धूप के साथ हल्की बादल की लेयर्स आ रखी है, और आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ रास्ते से, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है, और ये नज़ारे ना हर किसी को देखने को नहीं मिलते हैं, तो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और मैं क्यों जा रही हूँ वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिलहाल चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने धूप भी सेक लिया है, यहाँ मैंने स्कूटी पार्क कर ली थी, और ये जगह ना बहुत ही खूबसूरत है। और चलिए फिर दिखाती हूँ आपको रास्ते के नज़ारे, तो क्या ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह जब मॉर्निंग निकली थी ना तो इतनी ठंड थी, पैक तो मैं पूरी हो चुकी हूँ, वुलन स्टॉल वगैरह हवा वगैरह बिल्कुल एकदम नहीं जा रही है, लेकिन हाथ पैरों में फिर भी ठंडा लगता है, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स वगैरह हैं, लेकिन क्या ही करें पहाड़ों में थोड़ा मुश्किल होती है ठंडियों के टाइम पर। तो चलिए फिर ब्लॉग को आगे करते हैं, और बने रहिए मेरे साथ। भयंकर जाम लग चुका है, देखो एक साइड पे यहाँ पर काम चल रहा है ना, तो वीकेंड और ट्रैफिक ना एक साथ। तो मैं पहुंच गई हूँ हल्द्वानी में, अभी थोड़ा काम है, पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाऊंगी शायद मैं बच्चों के पास। मैं मिल रही हूँ आपको दिन में पहुँच गई थी, उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया, फिर आराम किया। तो अभी मैं जियो के स्कूल जा रही हूँ, तो स्कूल उसके स्कूल में है एनुअल फंक्शन, तो आपको भी दिखाऊंगी। इधर मैंने स्कूटी पार्क कर ली है, तो एंट्री के लिए मेरे को पास दिखाना पड़ेगा, तभी एंट्री हो सकते हैं। और इस साइड है जियो का स्कूल, तो कैसा प्रोग्राम होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उसका भी परफॉर्मेंस है, तो देखते हैं जियो का। तो मैं लेके आई थी जियो का स्कूल कार्ड, और साथ में जो मिला था पर्चा वो, तो अभी पहले हम एग्जीबिशन देखते हैं और आपको भी दिखाऊंगी। तो ये रहा जियो का स्कूल। तो सबसे पहले हम जाएंगे आर्ट एंड क्राफ्ट देखने, तो ये सारे बच्चों ने बना रखे हैं। तो इस तरफ देखिए बच्चों ने कैसे डेकोरेटिव किया हुआ है इसको, और यहाँ पे बच्चों ने ना कुमाऊं उत्तराखंड के परिधान को भी दिखाया है, देखिए बहुत सुंदर सी कलाकारी की है, जिसपे उत्तराखंड का परिधान नथ मांटिका, साथ में जो पिछौड़ा है वो भी दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन। और साथ में ये है सूप, तो ये होता है बांस का बना हुआ है, तो इस पर भी बहुत सुंदर कलाकारी की हुई है, सारे बच्चों ने ये एक्टिविटीज़ की हैं ये सब।
उधर है एंट्री पॉइंट, तो धीरे धीरे पेरेंट्स लोग भी आने लगे हैं और जो प्रोग्राम है वो पीछे है ग्राउंड में, तो वहाँ भी मैं आपको ले चलूँगी। तो अभी सारे पेरेंट्स ना आर्ट एंड क्राफ्ट का जो जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब देख रहे हैं, और इन सारे रूमों में ना बच्चे रेडी हो रखे हैं, तो ऊपर विंडो से देख रहे हैं सारे बच्चे। तो इस तरफ है ग्राउंड जहाँ पर होगा आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम होता है शाम को 8-8:30 बजे तक। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी आई थी, और यहाँ सब ना आपको टॉयलेट वगैरह सब व्यवस्थाएँ की हैं उधर तक। From darkness to light, from ignorance to knowledge. The ceremonial lamp lighting has been done by our esteemed guest in the school building before Goddess Saraswati to invoke her blessings. And I'm sure you must have witnessed the incredible artwork created by our young artists of classes 4-8. The diverse expressions of creativity must have undoubtedly captivated each one of you. Amen. Hold your breath as we have an incredible lineup of performances and displays showcasing the essence of our school community. Get ready for a roller coaster of emotions and a cascade. प्रोग्राम चल ही रहा है, हम जा रहे हैं नीचे। सेंटर में करो, सेंटर में करो।
बर्गर मिला है और जियो ना बिल्कुल मेकअप के साथ कुछ अलग ही लग रही है मतलब बिल्कुल नहीं पहचाने जा रहे सच में। तो गाइस ये देखो पेंटिंग लगी और वहां पे फोटो खींचे, ये सारे बच्चों ने है ना, बहुत बढ़िया। चलो प्रोग्राम देखना आपने, चलो एक बार प्रोग्राम देख के आओगे फिर चलेंगे, ठीक है? ठीक है हाँ, वो कहीं बैठे हैं, मुझे नहीं पता वो कहीं पीछे बैठे हैं। ये देखिए भाई कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। सॉरी ऑडियंस, दे आर प्रोग्राम्ड टू फाइट। बल्ले बल्ले। द बोर्ड ऑफ थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट एंड द स्टूडेंट्स, वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड। तो मैं भी स्कूल के बाहर आ गई है, देखो सारे पेरेंट्स निकलने लग गए और इधर है स्कूटी मेरी भी कहीं इधर ही है, देखना पड़ेगा। सो, हम लोग पहुंच गए हैं घर और जू आ गई थी पूनम दी लोगों के साथ कार से, क्योंकि इसको स्कूटी से लेके नहीं आई। लेकिन स्कूल की जितनी भी मॉडर्न एक्टिविटी बहुत होती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मतलब तैयारियाँ कराते हैं ना, मतलब बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा और जो आपको भी पसंद आया होगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर और अब घर का और इसका भी मेकअप वगैरह रिमूव करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।